तो यूपी में आज राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। समाजवादी पार्टी में लगातार खटपट की खबरें आ रही हैं। पार्टी को पहला झटका मनोज पांडे के तौर पर लगा है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया है और वो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ विधानसभा वोटिंग के लिए पहुंचे हैं। वोटिंग से ठीक पहले मनोज पांडे ने चीफ व्हिप का पद छोड़ दिया। खबर है कि 1 घंटे बाद मनोज पांडे सीएम योगी से मुलाकात करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि समाजवादी पार्टी के सिराथू विधायक पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव में कहा सुनी हुई है। जानकारी के मुताबिक राज्यसभा सीट के लिए जारी वोटिंग के लिए फोन पर दोनों की बातचीत हुई और बातचीत के दौरान ये कहा सुनी हो गई। आपको ये भी बता दें कि बीती रात अखिलेश यादव की जनता पार्टी में 8 विधायक नहीं पहुंचे, उनमें मनोज पांडे और पल्लवी पटेल का नाम शामिल है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी के संपर्क में समाजवादी पार्टी के कई विधायक हैं। ये पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, कई विधायक बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं। इस बात की आशंका खुद सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी कही थी। बीजेपी के संपर्क में तमाम वो विधायक हैं जो उनके पक्ष में वोट कर सकते हैं। आज शाम 5 बजे फैसला आना है राज्यसभा की इन सीटों पर। और बीजेपी के संपर्क में इस बीच कई विधायक समाजवादी पार्टी के आ चुके हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के कमरे में बैठे कई समाजवादी पार्टी के विधायक। और राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में ये बड़ी फूट की खबर आ रही है। पहले चीफ व्हिप ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद कई और विधायक इस वक्त बीजेपी के संपर्क में। उन्हें अगर अखिलेश यादव के बयान को भी सुने तो उन्होंने कहा जिसको लाभ का लालच होगा वो यहां से चला जाएगा। तो ऐसे में वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हम एक साथ हैं, सब एक साथ हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिसको लालच होगी, जिसको बहुत अच्छे ऑफर दिए जाएंगे वो चले जाएंगे। अब सवाल यही है कि आखिरकार कितनों को ऐसे ऑफर मिले और कितने जा रहे हैं और कितनी संख्या समाजवादी पार्टी की कम हो रही है। जयशंकर जी, आज आप पवन पांडे क्या मौजूद थे, क्या बातचीत हुई है? देखिए, जो सनातन धर्म के पक्ष में सदैव बात रखते रहे हैं और आज उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिए हैं, तो उसके बाद मेरी मुलाकात हुई। आप वोट अब देंगे बीजेपी को? वो अब जो सामने ही आएगा तो अब समय कितने देर है, अब तो 2 मिनट का है। और किन किन विधायकों के साथ आप मुलाकात की आपने, क्योंकि आप बड़ा अहम रोल है आपका? नहीं देखिए, आज की तारीख में माननीय मोदी जी से प्रभावित होकर के उनकी नीतियां, देश के जो विकास हो रहा है, प्रदेश का जो विकास हो रहा है, उससे होकर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। तो साफ तौर से दयाशंकर सिंह इस समय मनोज पांडे के घर से निकलते हुए और बड़ा स्टेप है ये कि उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट करने की बात कही है। एक्सक्लूसिव हम आज तक पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह मनोज पांडे के घर से उनको राज्यसभा के लिए जो वोटिंग होनी है उसके लिए भेजते हुए नजर आए हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अपना दल के आशीष पटेल का दावा है कि कम से कम 10 क्रॉस वोटिंग हो सकती है, यानी कि 10 समाजवादी पार्टी के ऐसे विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं 8, उनको जिताने का काम करेंगे और हमारे सभी विधायक अब अपने वोट डालने जा रहे हैं और निश्चित तौर पे एनडीए के 8 प्रत्याशी जीत रहे हैं। हमारी कितनी हुई है संख्या? बड़ा खेल हुआ है जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले सरकार की नीतियों पर भरोसा है, वो सब हमारे साथ आ गए।